बाद में नेक्स्ट वीडियो एक वीडियो बनाएंगे। सो है एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है भाई बैसेप्स के ऊपर वीडियो बना, बैसेप्स के ऊपर। तो आज बनाने वाले हैं बैसेप्स के ऊपर वीडियो। तो एंड कहता है आप लोग कुछ बोलने वाले हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बट आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन करके नहीं रखें तो प्लीज कर ले। शायद मेरा वीडियो बहुत सारा ऐसा भी कमेंट आ रहा था कि भाई आप जो वीडियो डालते हो ना तो उसका मतलब नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है। तो बेल आइकन का जो वहाँ पे ऑप्शन होगा उसको आप लोग मतलब प्रेस कर लेना, तो अभी जो भी वीडियो हम डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाने वाला है। एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आपको क्या कहता है, जो जो मेरा और भी चेस्ट का वर्कआउट का वीडियो देखना हम हर चीज लिंक के अंदर डाल देंगे, सो आप लोग जाके फॉलो कर लेना। तो आज का हम लोग ऐसे वीडियो होने वाला है सिर्फ बाइसेप्स के ऊपर, जो कि मेरे पास सिर्फ एक डंबल है ये रहा, ठीक है। ये डंबल लगभग 7 kg का डंबल है, 3-3-6 आधा kg का ये इसका रॉड है वो है 7 kg का। तो इसी के ऊपर से आज हम एक डंबल से पूरा बाइसेप्स कवर बताने वाले हैं, 4-5 जो भी होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा कमेंट जरूर करना। तो पहले आप लोग पूरा वीडियो देखो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला एक्सरसाइज होने वाला है जो डंबल से रहेगा वो रहेगा, कहता है जैसे बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो हम सिर्फ पूरा डंबल से ही करने वाले हैं, ठीक है, सिंगल डंबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग एक्सरसाइज रहेगा डंबल कर्ल, ठीक है। ये रहा सिंगल हैंडी करने वाले, तो हाथ को पीछे रख के इस साइड से इधर सपोर्ट ले लेंगे इसको, बट ये रहेगा बस यहाँ से स्टार्ट, ये रहेगा। इसका हमको 12 करना है एंड 4 से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2 इसको पूरा मतलब पूरा ये स्ट्रेट यहाँ तक नहीं है, ठीक है, आपको बस इसके आगे रखना है बस यहाँ से अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 इस साइड, फिर 8 नेक्स्ट इस साइड, ठीक है। इसको भी आपको पीछे से इस हाथ को सपोर्ट ले लेना है और हाथ को इसको आपको आगे रखना है ना कि पीछे, ताकि यहाँ से ये करके करना है और आगे रहेगा बस यहाँ से अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। उसमें 8, इसमें 10, उसमें 2 पहले मारे तो 10 उधर हो गया, हम अपना हाथ का मसल छोटा फिर निकल ले, ठीक है। तो अब हम लोग का मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं हैमर कर्ल से, सेम डंबल से ही करने वाले हैं। तो हाथ को बस इसमें कर्ल में ये कर रहे थे हम, ठीक है, बस हैमर में क्या करना है, हाथ को आगे रख के बस सिंगल हैंडी बस पीछे इसको सपोर्ट करके बस यहाँ से अप। 1 फिर डाउन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो नेक्स्ट इस साइड भी सेम इसी प्रकार से, ठीक है। ये रहा बस अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 एक्सरसाइज अभी, और क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज बढ़ते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें मतलब कि जैसे कि रोड से करते हैं ना, कहते हैं रोड से बारबल कर्ल करते हैं हम लोग, ठीक है। सेम उसी पर डंबल से ही करने वाले सेम उसी को भी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत गर्मी लग रहा था, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं टी शर्ट खोल चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का जो बोल रहे थे मतलब बारबल से बारबल कर्ल करते हैं, तो यहाँ पे बस ये रहेगा बस अप, हाथ को डाउन, ठीक है, अप। 1, इसका भी 12 करना है, हम वैसे कहता है 8 या 10 12 ऐसे करते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये हम लोग का तीसरा वर्कआउट, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो रहेगा हम लोग का हैमर के साथ कर्ल करने वाले, ठीक है, हाफ हैमर हाफ कर्ल, जो कि आप लोग बहुत सारे ऐसे देखे भी होंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट जो है हम लोग का ओके, हम जो क्या करते हैं पहले जो कर्ल करते हैं और क्या करते हैं हैमर करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से अप करना है, क्या अप करना है कर्ल में, और जो क्या डाउन करेंगे वो हैमर के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये रहा अप जाएगा, फिर यहाँ से कहते हैं हाथ को घुमा लेना है, फिर डाउन, ठीक है, फिर अप, फिर यहाँ से ये आपका ये एक मतलब कि एक रेप हुआ, फिर अप गया डाउन, फिर अप डाउन, ये आपका 2, ठीक है।
थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। और नेक्स्ट स्टाइल भी सेम उसी प्रकार से हाथ को, मतलब अगर आपका हाथ आगे रखे थोड़ा तो बॉडी ना डाउन हो जाएगा आपका, तो हाथ को अगर पीछे रखे ताकि पता रहेगा हाँ मेरा हाथ जो है ना ये वाला पीछे नहीं जा रहा है, ठीक है। बस यहाँ से फिर कर्ल एंड डाउन हैमर में, फिर अप फिर डाउन, ठीक है। यहाँ पर एक हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात एंड लास्ट आठ। तो ये हम लोग एक तरह चार वर्कआउट कंप्लीट। नेक्स्ट हम करने वाले हैं जो कि है कंसंट्रेशन कर, ठीक है। तो वो आप कहीं बैठ के भी कर सकते हैं, तो चलिए वो भी आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। सो जो हम लोग का नेक्स्ट जगह हो रहेगा कंसंट्रेशन कर, तो आप इसको क्या करते हैं कहीं बैठ के कर सकते हैं, ये मतलब बैठ के ही किया जाएगा, ठीक है। तो हाथ को यहाँ पे ऐसे सपोर्ट लेके नेक्स्ट हाथ को यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ये रहेगा डंबल को बस ये लेके पूरा नीचे, फिर अप, ठीक है, फिर डाउन, फिर अप। ये जितना वर्कआउट सब आप एक ही डंबल से कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नेक्स्ट इसी साइड, ठीक है। फिर सेम इसी तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सो तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। और इसे देखा जाए तो मेरा बैसे पूरा पंप कर देगा, सिर्फ पाँच लोग हम ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं किए, एक एक से हर किसी का किया, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको कैसा पंप हुआ है। सो ज़्यादा कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है, पंप मतलब पंप होने में कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। तो आज का जो वर्कआउट था जो बता दिया, वो सिर्फ एक ही डंबल से, आपके पास एक ही डंबल है, आप ऐसा ईटा से भी कर सकते हैं, ईटा है तो उसके हाथ में ईटा मतलब पकड़ने का मेन है ऑप्शन नहीं रहता पकड़ने का, तो आप एक डंबल से, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं। तो अगर आप, हाँ बहुत सारे एक कुछ क्वेश्चन था कि डंबल कितने का आता है और कहाँ से ले सकते हैं, आप अमेजोन पर परचेस कर सकते हैं, बहुत हम इसका आपको लिंक डाल देंगे। इसके आपको डंबल चाहिए तो 300 से 400 के अंदर आपका डंबल, लगभग 10 से 15 केजी का डंबल आपको आ जाएगा 300 से 400 के अंदर, ठीक है। तो सो आज का वीडियो हीरा, हम इसका लिंक डाल देंगे। बस आज का वीडियो समाप्त करते हैं, एंड आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो फिर किसी और चीज़ पे लेके आएंगे, वर्कआउट से रिलेटेड या सप्लीमेंट के ऊपर। सो चलिए तब तक के लिए बाय।